हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूं। लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली अपर पीसीएस को लेकर के विज्ञापन जारी किया गया है और उसी विज्ञापन के संबंध में परिचर्चा के लिए मैं आप सभी के समक्ष एक बार पुनः परीक्षा प्लस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2021 के बारे में अगर हम देखें तो तमाम युवाओं का, तमाम युवतियों का यह एक सपना होता है कि हमारा कैसे भविष्य में चयन एक अधिकारी के तौर पर हो, कैसे हम अपने राज्य सरकार में, खासकर उत्तर प्रदेश में, एक अधिकारी के तौर पर हम कार्य करें। उन तमाम सपनों के लिए जो परीक्षा आयोजित होती है लोक सेवा आयोग के द्वारा, उस परीक्षा का नोटिफिकेशन 2021 का आपका जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा। आज से ही आप फॉर्म 5 तारीख से आपका फॉर्म भरा शुरू जो है भरा जाना शुरू हो जाएगा। आओ इस पर हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं, इसके लिए पाठ्यक्रम क्या होता है, कितने इसमें आपकी शुरुआती डेट क्या है, कैसे कैसे सारे पेपर होंगे, तमाम चीजों पर हम लोग चर्चा शुरुआत करते हैं। तो आप सभी को यहां पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीनस्थ, ठीक है, अपर पीसीएस जिसको आप लोग कहते हैं, सेवा परीक्षा 2021 है। साथ ही साथ इसमें एक और पद आपका जोड़ा गया है, सहायक वन संरक्षक, जिसको हम एसीएफ बोलते हैं, ठीक है, क्षेत्रीय वन अधिकारी यानी आरएफओ। ये दोनों परीक्षाएं एक साथ आपकी संपन्न होती हैं प्रीलिम्स के लिए। इसमें आपका क्या किया गया है, आज ही लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन अगर शुरुआत होने की तिथि की बात किया जाए तो आज से ही 5 तारीख से आपका आवेदन प्रारंभ हो चुका है। लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर के आप लोग सारी चीजों को फिल कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप सभी के अंतर्गत एक जिज्ञासा बनी होती है, उन्हीं सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो फी पेमेंट होनी है वो आपकी 2-3 तक होनी है और ऑनलाइन जब तक लास्ट सबमिशन है आपका 5-3 तक, मतलब 1 महीने आपका चलना है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, जैसे जो लोग आपके एसीएफ यानी सहायक वन जो संरक्षक है या आरएफओ के लिए आवेदन करेंगे, ऐसे अभ्यर्थियों को सूचित करना कि सहायक वन संरक्षक या क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा की द्वितीय अवस्था यानी जो मुख्य परीक्षा होती है, ठीक है, रिटेन जो होगी और जो इंटरव्यू होगा उसमें उन्हें सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा यानी प्रारंभिक 21 में शामिल करना होगा और उत्तीर्ण करना होगा। यानी जो आपकी अपर पीसीएस हो रही है और आपकी आरएफओ या एसीएफ की परीक्षा है, इन दोनों का जो आपका प्री होता है, प्री आपका कॉमन होता है दोनों का दोनों। अब बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहा होगा कि ये कौन सी परीक्षा है, अभी आगे मैं परिचर्चा करूंगा कि आपका कौन सा पद है, इसके लिए क्या अर्हता है, तो आगे मैं बहुत डिटेल में इन सारी चीजों के बारे में बात करने जा रहा हूं। दूसरा बिंदु इसमें कह रहा, सहायक वन संरक्षक या क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा एवं सम्मिलित राज्य या प्रवर सम्मिलित सेवा परीक्षा हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को पात्रता संबंधी आवश्यक मापदंडों की पूर्ति हेतु एक ही कॉमन जो है आवेदन करना है, यानी जो दोनों में अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको एक ही आपका क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करके उनको आवेदन करना है। और तीसरा बोला, किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा बोर्ड या वांछित आवश्यक सूचना छिपाई जाएगी तो भैया जाहिर सी बात है कि आपका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और तमाम चीजों को समझते हैं। बैंक शुल्क के लिए बोला है कि आपको क्या करना है, ऑनलाइन ही पेमेंट होनी है, ऑनलाइन फॉर्म ही भरा जाएगा। बैंक शुल्क अगर आप जो है उसके बाद जमा करते हैं, जब डेट है, डेट के बाद तो मान्य नहीं होगा, जाहिर सी बात है जब तक डेट है तभी तक आपको क्या करना है, जमा करना है। और तमाम चीजों पर अब यहां पर अगर हम लोग बात करें कि कैसे क्या करना है, तो आपको लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाना है और यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। यहां जाएंगे, ऑल नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको दिख जाएगा और जिसमें आपको ये 3 चीजें शुरुआत में करनी ही करनी होती है। चलिए आगे बढ़ रहे, अप्लाई करने के लिए तमाम चीजें दी गई है। मैं आपसे सीधा बात करता हूं कि क्या चीजें वांछित, जो आवेदन शुल्क है, आवेदन शुल्क आपका सारे लोग जानते हैं, यूआर हैं और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए आपका 100 रुपए और 25 रुपए, वो 125 होता है, बाकी आपके सभी लोगों के लिए जो है 65 रुपए चल रहा है, ये आपका होता है। दिव्यांग श्रेणी के लिए और भी कम है, 25 रुपए, भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 है, ये सारी चीजें मतलब बहुत कम है। आगे हम बढ़ते हैं और तमाम मूल मुद्दों पर बात करते हैं जो चीजें आपकी होती हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए सारे लोग, कह रहा उत्तर प्रदेश आयोग सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीनस्थ जो मुख्य परीक्षा होती है 2021 तथा सहायक वन संरक्षक या क्षेत्रीय अधिकारी सेवा मुख्य परीक्षा, ये रिटर्न होती है, प्री आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जिनका आयोजन आयोग द्वारा अलग अलग किया जाएगा, वो आरएफओ आपका जो है एसीएफ वाला और पीसीएस जो आपका मेंस होगा, मतलब जब यह स्टेज आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे
तो ACF का मेंस अलग होता है और इसका मेंस आपका अलग होता है अपर वाले का, इसको ध्यान रखेगा, वो चीजें बताया है। चयन मुख्य परीक्षा रिटर्न तथा साक्षात्कार कुछ पदों पर केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर होगा। कतिपय पदों पर चयन उनकी सेवा नियमावलियों में दी गई नई व्यवस्था के अनुसार केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की परीक्षा तिथि तथा केंद्र की सूचना ई प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो इस बार वर्तमान में सम्मिलित जो राज्य या प्रवर अधीन सेवा है इसके लिए पद की संख्या 400 है। अब ये 400 पद के साथ विज्ञापन आया है, लेकिन लोक सेवा आयोग में हमेशा ऐसा हुआ है कि आपकी प्री परीक्षा आते आते आपकी क्या हो सकती है, ये रिक्तियां हमेशा बढ़ी और हमेशा बढ़ेंगी, तो ये अभी 400 के साथ आया है, मतलब अंत जाते जाते अच्छी खासी संख्या होने वाली है। ठीक है, ये संख्या आपकी बहुत अच्छी खासी जाएगी लास्ट तक, तो जितने लोग सपना पाल चुके हैं वो सारे लोग जो है इस पर आपका मेहनत करना शुरू कर दे। टीम परीक्षा प्लस आप सभी के लिए एक टारगेटेड बैच लेकर जल्दी आएगी और जहां पर हम इनकी तैयारी बहुत धुआंधार तरीके से करेंगे, वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज के माध्यम के, नोट्स के माध्यम से। सहायक वन संरक्षक पद के लिए रिक्तियों की संख्या 1 है, क्षेत्रीय वन अधिकारी पद के लिए तो रिक्तियों की संख्या 15 है और रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार घटिया बढ़ सकती, घटती कभी ना बढ़ती हमेशा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी उसमें से पे बैंड दिया है कि कौन कौन से, NT इस बार है, NT के लिए पे बैंड आपका इतना होता है, ठीक है, ग्रेड पे है, और उसके बाद जो है अन्य चीजें इसमें सिर्फ यही बदलाव किया गया। कौन कौन से पद शामिल होते हैं नाम देख लीजिए, डिप्टी कलेक्टर है आपका, पुलिस उप अधीक्षक है, खंड विकास अधिकारी हैं, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी है, असिस्टेंट कमिश्नर है यानी वाणिज्य कर, जिला कमांडेंट होमगार्ड से, कोषा अधिकारी, लेखा अधिकारी कोषागार के, गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह का विकास शाखा, अधीक्षक कारागार, प्रबंधक ऋण लघु उद्योग, प्रबंधक विपणन, आर्थिक संरक्षण, ये सारे आपके विभाग है, अधिशासी अधिकारी श्रेणी वन या सहायक नगर आयुक्त, ये सब आपके पद हैं जिन पदों के लिए आपकी एक साथ कॉमन परीक्षा होने वाली है और ये सारे के सारे आपके पद के बारे में बताए गए कि इसमें इतने तरीके के पद आते हैं जिनके लिए यह परीक्षा आपका आयोजित होनी है। इससे पहले आयोग ने क्या किया था, इससे पहले ही आयोग ने आपका जो कैलेंडर जारी किया था उसमें यह बता दिया था कि इसकी परीक्षा 13 जून को आयोजित होनी ही होनी है। देखिए इसमें पदनाम देखा जाए तो सहायक वन संरक्षक जो है इसमें वेतनमान आपका कहां से कहां तक चलता है ये सारी चीजें वर्णित है, तो अभी तो वेतनमान आपका बाद का लक्ष्य होगा। अभी आरक्षण की अगर बात किया जाए तो भैया आरक्षण में ध्यान दीजिए, जो अनुसूचित जनजाति हैं उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां हैं या उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग हैं, उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, इनके लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियां जैसे उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनके आश्रित हैं या महिला अभ्यर्थी हैं, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, उत्तर प्रदेश समाज के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, इनको भी जैसा चल रहा है उसी के अनुरूप क्या होगा, आरक्षण मान्य होगा। उत्तर प्रदेश समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित किए गए पदों पर रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उसके बाद आपके कुछ शासनादेश दिए गए हैं उनका जिक्र किया गया है कि यहां पर सीधी भर्ती के प्रक्रम में महिलाओं को अनुमन्य, उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है, उत्तर प्रदेश की जो मूल निवासी महिलाएं हैं उन्हीं को आरक्षण का यह लाभ मिलेगा, बाकी सारे लोग किसमें जाएंगे, जनरल में फाइट करेंगे उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में किसी भी स्टेट वाले हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करते हैं, उसके बाद इसमें आरक्षण या आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षण श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के प्रशिष्ट 3 में मुद्रित आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। जिनको छूट लेना है उनको जो है एक प्रमाण पत्र आपका फिर से अपडेट करवाना है, यहां पर जैसा दिया है उस हिसाब से सभी को जो है आरक्षण में या छूट मिलती ही मिलती रहती है। आगे बढ़ते हैं उन चीजों पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, लगभग चीजें वही हैं जो मुख्य रूप से है, शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं, शैक्षिक अर्हता सारे लोग जानते हैं, अगर ये बात करें सबसे मेन मुद्दा होता है सारे बच्चों के दिमाग में होता है कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो ध्यान दीजिए ये जो आपकी परीक्षा होने जा रही है इसमें आवेदन के अंतिम तिथि तक, हमेशा ध्यान दीजिए फॉर्म की लास्ट डेट तक, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री, केवल ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ हो इससे कोई मतलब नहीं है, तुम ग्रेजुएट हो या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें, किंतु कतिपय पदों हेतु
विशिष्ट अर्हताएं भी हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है। कुछ पद हैं, सभी के लिए आप सब कुछ सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे बीए है, चाहे बीकॉम है, चाहे बीएससी है, चाहे आपका क्या है बीटेक है, लेकिन कुछ ऐसे पद हैं उसमें सामने अर्हता दिखी रहती है, यस नो चूज करना होगा। वहां पर आपको ध्यान देना है कि वो पद आपके वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास वो योग्यता है, बाकी सभी पदों में सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक पद आपका ये है उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन वाला, इसमें जो LLB किया हुआ है विधि स्नातक है वो केवल इस पर यस टिक कर सकता है कि हाँ मैं इसके लिए योग्य हूं। दूसरा है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इसमें स्नातकोत्तर होना चाहिए, मतलब PG होना चाहिए आपका, ठीक है, जो BSA साहब होते हैं इसके लिए PG आपका बोल दिया है। उसके साथ ही साथ इसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में सह जिला विद्यालय निरीक्षक को भी रख दिया है और अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद जिला प्रशासनिक अधिकारी, इन सभी के लिए PG जो लोग किए हैं उनको क्या होना चाहिए, वो लोग इसके लिए आ रहे हैं। अब इसमें पीजी में कुछ नहीं होना चाहिए, पीजी होना चाहिए तुम्हारा, ये चीजें हैं। तीसरा पद आपका एक विशेष तरीके का इसमें है, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी यानी वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग में, इसमें जो लोग बीकॉम किए हैं वो लोग इस परीक्षा के लिए क्या करेंगे, यस कर सकते हैं, यस करेंगे, मतलब और सब में तुम अप्लाई कर भी सकते हो, सभी में अप्लाई करोगे लेकिन ये सब परीक्षाओं तुम्हारे लिए स्पेशल है, इसको ऐसा समझ लो। उसके बाद सहायक नियंत्रण विधिक माप विज्ञान श्रेणी या सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्रेणी दो हो गया, इसके लिए एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक कोई है, BSc वाले जो हैं वो इसमें यस कर देंगे, ठीक है, उनके लिए यह स्पेशल हो गया, मतलब और सभी के लिए तो ऑलो एलिजिबल है ही है, लेकिन जो विशेष आपकी कैटेगरी में मांग रहा, विशेष क्वालिफिकेशन मांग रहा, उसमें जिनका विशेष क्वालिफिकेशन है वो लोग उसके सामने यस करते जाएंगे, इसमें फायदा मिल जाएगा आप लोगों को। अगला है सहायक श्रमायुक्त, इसमें जो लोग वाणिज्य से हैं या विधि या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के साथ कला में स्नातक हैं, ऐसे लोगों इस पद के लिए क्या है योग्य है, ठीक है, वो इस पद के सामने यस लिख देंगे। अगला 6 नंबर है जिला कार्यक्रम जो अधिकारी होता है, इसके लिए भैया अगर आप समाजशास्त्र हैं या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक है, ठीक है, तो वो ऐसे लोग इस पद के लिए क्या है एलिजिबल है, ये स्पेशल डिग्री हो गई और सबके लिए अप्लाई करो, ये सब तुम्हारे लिए स्पेशल है, इसमें तुम्हें प्रेफरेंस मिल जाएगी। अगला क्या है वरिष्ठ प्रवक्ता है या जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में, ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए स्नातकोत्तर उपाधि के साथ साथ शिक्षा स्नातक होना चाहिए, ठीक है, BEd यहां पर मांग लेता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 8वां एक आपका विशेष पद है जिला प्रोबेशन अधिकारी, इसमें जो लोग साइकोलॉजी या समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष कोई अर्हता है या सामाजिक कार्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्था थे, सामाजिक कार्य की किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा है, वो लोग केवल इस पद के लिए एलिजिबल है, और पद तो आप डालेंगे ही डालेंगे, ये आप लोगों के लिए स्पेशल है, इसमें फायदा मिलेगा। ऐसे बाल विकास परियोजना अधिकारी है आपका, इसमें समाजशास्त्र वाले या समाजकार या गृह विज्ञान में स्नातक वाले, ठीक है, यहां पर इस पद के लिए क्या होता है एलिजिबल होते हैं, इसमें आप यस करिएगा। ऐसे ये है आपका अभिहित अधिकारी या खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान जिनका है, ठीक है, और उसमें PG या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता है, ऐसे लोग इस पद के लिए विशेष रूप से एलिजिबल हैं। और दूसरा कह रहा खाद्य सुरक्षा अधिकारी पर सीधी भर्ती के लिए बेहद अर्हता में कम से कम एक अर्हता जो निम्नवत है, या तो आप मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन या सूक्ष्म विज्ञान, इसमें से कोई एक उपाधि धारित करते हो वहां पर वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सांख्यिकी अधिकारी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित, ये सब विशेष पोस्ट हो गई, किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता है, स्नातकोत्तर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर जिला गन्ना अधिकारी है और उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा वाला जो पद है, इसके लिए कृषि स्नातक जो लोग एग्रीकल्चर से आपके BSc हैं वो लोग इसमें स्पेशल हैं, ठीक है, इसके सामने यस करिएगा, लाभ मिलेगा। श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र या वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि है तथा विधि या श्रम संबंध या श्रम कल्याण या श्रम विधि या वाणिज्य समाजशास्त्र समाज कार्य समाज कल्याण व्यापार प्रबंधन क्रमिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपके पास है या आप इसमें से PG किए हैं तो आपको यहां पर क्या होगा लाभ मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रधानाचार्य के लिए है जो राजकीय इंटर कॉलेज है बालक या बालिका हित, ऐसे लोग जो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई उपाधि धारित करते हैं वो लोग आपके प्रधानाचार्य के लिए क्या होंगे विशेष रूप से एलिजिबल है।
शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का एलटी डिप्लोमा जिनके पास से, वो लोग भी इसके लिए क्या आहर्य माने जाएंगे, या बीटी या बीएड या विश्वविद्यालय की कोई समकक्ष उपाधि है वो लोग भी इसके आहर्य माने जाएंगे। तो ये स्पेशल तुम्हारी हो गई। हाई स्कूल इंटरमीडिएट कक्षाओं या उपरोक्त में से उच्चतर कक्षाओं में भारत विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसी संस्था से कम 3 वर्ष पढ़ाने का अनुभव प्राप्त है, वो लोग भी प्रिंसिपल के लिए क्या है, विशेष रूप से सहायक शोध अधिकारी में जो लोग जो है रसायन विज्ञान के मास्टर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई डिग्री है वो इसके सामने यस करेंगे। ठीक है, ये सब स्पेशल है और सबके लिए तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जिसमें विशेष विषय मांगा है उसमें आपके पास वही लोग अप्लाई करेंगे जिनके पास वो विषय है। बाकी सभी में जो आपके बहुत सारे पद हैं चूंकि वहां पर, तो उनमें कॉमन सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन सब में जिनके पास जो है वही अप्लाई करेंगे। सहायक निदेशक, इसके लिए भैया कृषि स्नातक होना चाहिए, ये तमाम आपके तरीके के पद हैं। ऐसे प्रबंधक है जो प्रशासन या सामान्य का है, इसके लिए एमबीए डिग्री होनी चाहिए। सहायक भंडार क्रय अधिकारी के लिए भी एमबीए होनी चाहिए। ये दो पद वही लोग यस करेंगे जिनके पास एमबीए की अपनी डिग्री है। अब बढ़ते हैं कैसे इसमें आपका जो है लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन होने वाले, एक आपका पद है इसमें इंटरव्यू नहीं है, लिखित परीक्षा के आधार पर ही मेंस देकर ही आप क्या कर सकते हैं, चयन यहां से प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल एक ऐसा पद इसमें है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि विकल्प, जिस पद के सामने आप देखिएगा यस नो का विकल्प आता है तो आपके पास वो क्वालिफिकेशन है, जिसमें सिर्फ ग्रेजुएट मांग रहा उसमें यस कर देना, जिसमें स्पेशल डिग्री मांग रहा उसमें यस मत करना। अगर तुम्हारे पास वो डिग्री है उसमें यस करना, नहीं तो उसके सामने नो करना स्पेशल डिग्री वालों में। ठीक है, सहायक जो वन संरक्षक या क्षेत्रीय वन अधिकारी है इसमें क्या होना चाहिए, देखे भैया इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विदेशी विश्वविद्यालय से कम एक विषय अर्थात वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान या गणित या भूगर्भ विज्ञान या वानिकी या सांख्यिकी के साथ स्नातक उपाधि है, या कृषि में स्नातक है, या अभियंत्रण में स्नातक है, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त डिग्री है, तो ऐसे लोग ही इस एसीएफ आरएफओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जब अप्लाई करोगे तो दोनों में मांगता है किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे, अपर के लिए साथ साथ आपके एसीएफ आरएफओ के लिए। तो आपके पास अगर इसमें से कोई डिग्री है तो वहां भी टिक कर दीजिएगा, क्योंकि प्री या दोनों का एक ही होना है, इसी से सिलेक्शन उसमें भी जाएगा। अधिमानी आर्यता, ये आपकी कम से कम 2 वर्ष का प्रादेशिक सेना में सेवा की हो, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो, ऐसे लोगों को अधिमानी आर्यता दी जाती है। क्षेत्रीय वन जो अधिकारी है इनके लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या है, किसी विश्वविद्यालय से गणित भौतिक विज्ञान रसायन वनस्पत जंतु वानिकी भूगर्भ कृषि सांख्यिकी उद्यान विज्ञान और पर्यावरण विषयों से 2 या 2 से अधिक विषयों के साथ स्नातक या कृषि में अभियांत्रिकी में या पशु चिकित्सा में स्नातक हैं, तो ऐसे लोग आपके इस पद के लिए क्या है, एलिजिबल है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अधिमानी अर्हता इसमें भी वही चलती है, पीसीएस में सभी में वही चलता है। बाकी चीजें ध्यान दीजिए, न्यूनतम शारीरिक मानक जो सहायक वन संरक्षक पद है, सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक ऊंचाई व सीने के घेरे के लिए इतना होना चाहिए, वन संरक्षक में आपका जो है इतना होना चाहिए आपकी ऊंचाई, पुरुष के लिए 163, महिला के लिए 150। ठीक है, और सीने का घेरा फुलाने के पश्चात आपका मिनिमम जो है 84 और 79 लिया जाता है, इधर 5 सेंटीमीटर न्यूनतम विस्तार होना ही होना चाहिए। अनुसूचित जाति वालों को इसमें जो है छूट दी गई है, वो इस प्रकार से है कि इनके लिए कुछ छूट, पुरुष इसमें 152 और महिला आपकी 145। पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर, ये आरएफओ के लिए है, अन्य के लिए नहीं है। पता चले कि तुम लोग सोच लो नहीं इसमें दौड़ होती है, ये आरएफओ के लिए है तुम्हारा, उसके लिए दौड़ होती है। क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए ठीक है नियुक्ति नहीं मिलेगी आपको, ये चीजें होनी ही चाहिए, नहीं इतनी सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है इतना आपका सीने का घेरा होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर न्यूनतम तो सभी में फुलाव होता ही होता है। और इसमें नेपाली और उन लोगों को गढ़वाली गोरखा इन सबको छूट दी जाती है, तो अनुसूचित जनजातियों को, तो इनके लिए पुरुष और महिलाओं के लिए ये होना चाहिए भैया, और किसी पद में नहीं है ये एसीएफ आरएफओ के लिए। पता चले तुम सभी में समझ बैठो कि नहीं सर जी इसमें तो हाइट और दौड़ मांगता नहीं, अपर पीसीएस में हाइट दौड़ तुम्हारा ना होगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों पर, बाकी विज्ञापन आप पढ़ लीजिएगा, इसमें जो जो चीजें होंगी दिक्कत होगी तो नीचे नंबर चल रहे हैं उनमें से किसी नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा, 3-3 नंबर चल रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे पद हैं शारीरिक मापदंड वाले अपर पीसीएस वाले में, जैसे पुलिस उप अधीक्षक हो गया भैया, ठीक है आपका अधीक्षक कारागार बने, जिला कमांडेंट होमगार्ड बने, आबकारी निरीक्षक हुए, उप कार्यपाल बने, जिला युवा कल्याण तथा प्रादेशिक प्रकोष्ठ अधिकारी हैं, इन सब में जब आप
जो है क्वालिफाई करेंगे, तो इसके लिए तब वहां पर आपका जो है इतनी चीजें ली जाती है। पुरुष अभ्यर्थी हो हेतु जो है इसमें 165 सेंटीमीटर हाइट, बिना फुलाए 84 और 89 होनी चाहिए, और अनुसूचित के लिए 160, 79 और 84, मतलब 5 सेंटीमीटर। ये तब होगा जब तुम्हारा भैया मेंस वेंस दे लोगे, तब की बातें है। अभी तो तुम्हें फोकस करना है, और वो भी 4-5 केवल पद के लिए, नहीं तो बहुत बहुत सारे पद है इसमें, बहुत तरीके के। 400 पद के साथ विज्ञापन आया है, ये लगभग आपका बढ़ के 700-800 पहुंचेगा ही पहुंचेगा, इसको ध्यान रखेगा, ठीक है। जिला कमांडेंट के लिए दिया है, बाकी और चीजें उतनी आपकी ये हाइट वगैरह अभी कुछ नहीं देखना है तुम्हें, अभी तुम्हें प्रीलिम्स में अप्लाई करना और अपनी परीक्षा देना है। अब हम बात करते हैं एज कितनी होनी चाहिए। भैया 1 जुलाई 2021 को आप न्यूनतम 21 साल हो और 40 साल से अधिक ना हो। 1 जुलाई 2021 से 40 साल एज मांगता है। एज की गणना कब की जाएगी? 1 जुलाई 2021 से की जाएगी। इस दिन अगर आप 21 साल के हो रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई करने के क्या हैं? योग्य है। जन्म 2 जुलाई 1981 के पूर्व और 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए, बस वही है। छूट दिव्यांग जन हेतु अधिकतम सीमा 55 वर्ष है। अभ्यर्थी का जन्म जो है 66 के पहले नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। अधिकतम आयु में छूट जो अनुसूचित जनजाति जाति है, जनजाति है, उत्तर प्रदेश के ओबीसी वाले लोग हैं, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक या शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं, और अनुदान जो अनुदानित माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत कोई शिक्षक या कर्मचारी है, इसके लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है ये 5 साल की है, ठीक है। ओबीसी और इन सबके लिए छूट 5 साल है। समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष होगी, ठीक है। आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों या अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों या भूतपूर्व सैनिकों के लिए, सेना में 5 वर्ष की सेवा जिन्होंने कर ली है, समूह खा के पदों हेतु अधिकतम सीमा में 5 वर्ष की छूट इनको भी दी जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। ये सारी चीजें आपकी हैं छूट के हिसाब से। उसके बाद इसमें ये तो मुख्य परीक्षा की बात कर ली, अभी तो हमें मेन से ही बात करना है कि मुख्य परीक्षा के लिए अप्लाई कैसे होगा, वो सारी चीजें दी है। ये तो आपकी बात की बात है, अभी हमें मात्र बात करना है प्रीलिम्स को लेकर के, तो क्या चीजें होनी चाहिए। एज आप लोग समझ चुके हैं, क्वालिफिकेशन समझ चुके हैं, और क्या चीजें कैसे होगी वो सारी चीजें, इसमें उतनी चीजें नहीं, वो मार फिल करने के लिए। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे आपकी चीजें रहेंगी, तो ध्यान दीजिए प्रारंभिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक 150 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जीएस के आपके अलग अलग सेक्शन से 150 क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए हम लोग क्लास भी टारगेट बैच भी उतार रहे हैं, और निगेटिव मार्किंग इसमें होती है, पीसीएस की सभी परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग हो चुकी है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर है, उम्मीदवार द्वारा दिए गए में से एक गलत उत्तर अगर आपने चुना है तो 1/3 अंक कट जाएगा, 0.33 अंक आपका कट जाएगा, सही करेंगे तो 1 उत्तर मिल जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपने कोई प्रश्न नहीं हल किया तो कोई उत्तर आपका वहां नहीं कटेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर, अगले जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं उनकी ओर। और तो चीजें हमने बात कर ली है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए और कैसे कैसे होनी चाहिए, बाकी क्वालिफिकेशन आपने जान लिया, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, किनको कितनी छूट है, ये सारी चीजें हैं। और इसके साथ ही साथ आप सभी के लिए जो लोग ऐसी चीजें देख रहे हैं, ठीक है, सभी के लिए टीम परीक्षा प्लस एक बैच आपकी टारगेट बैच लॉन्च कर रही है 2021 को लेकर के, जिसमें सभी विषय के आपके वीडियो क्लासेस, सभी के नोट्स आपके, जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि हम क्या पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, उसके लिए हम आपको नोट्स दे रहे हैं, और जब हम पढ़ाएंगे तो उसके साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराएंगे कि पढ़ने के बाद आप क्या कर सके, ये पूरी चीजें जो है आप बहुत अच्छे से कवर कर सकें। लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी, डेमो टेस्ट भी इसमें आज ही जो है सारी चीजें अभी आशीष सर के द्वारा बताया जाएगा कब से आपकी सारी कक्षाएं शुरू हो रही है, कौन कौन सी चीजें आपकी कब प्रारंभ होंगी, और जो ये आपके पूरा का पूरा टारगेट बैच है इसमें सभी आपके जितने भी जीएस में जैसे आपके जो सब्जेक्ट पूछी जाती हैं सारे लोग जानते हैं, ठीक है, इतिहास, भूगोल और पॉलिटी हो गया, फिर विज्ञान हो गया, करंट हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और साथ ही साथ आपका इन्वायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, इतने से संबंधित सवाल आपके जीएस में 150 सवाल आएंगे, उसके लिए सभी विषय के आपको वीडियो क्लासेज उपलब्ध कराई जाएंगी, टेस्ट सीरीज होगी, नोट्स होगी, सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरीके से टीम परीक्षा प्लस उपलब्ध कराएगी कि 4 महीने के भीतर हमारा जो लक्ष्य है 4 महीने के भीतर कैसे इसको अचीव करना है। 4 महीने बहुत होते मेरे मित्रों, अगर सही तरीके से बताई गई चीजों पर आप लोग चलना शुरू करते तो आपके सपनों को साकार करने में टीम परीक्षा प्लस पूर्ण रूप से सक्षम है,
जो दिशा निर्देश हम आपको देंगे, जो गाइडेंस देते रहेंगे, उस अनुरूप पढ़ाई करते रहें। आप प्री परीक्षा में कुछ नहीं सोचना है, एकदम निश्चिंत होकर के टीम परीक्षा प्लस के साथ जुड़िए, एक नई ऊर्जा के साथ जुड़िए और एक नई दिशा देने के लिए हमेशा अपने आप को तत्पर बनाएं। तो जो लोग इसमें एलिजिबल है अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, जो लोग एक ख्वाब देखते हैं कि हमें अधिकारी के तौर पर काम करना है, उन सारे लोगों को एक बार यह परीक्षा प्लस प्लेटफॉर्म पर जोड़ें और हम आपको देंगे एक नई दिशा, जिससे कि परीक्षा कैसे हम सफल करेंगे, कैसे परीक्षा में हम सफल बनेंगे और अपने आप को भविष्य में अधिकारी के तौर पर कैसे लाएंगे। इसी के साथ वाणी पर विराम दे रहा हूं। किसी को कुछ भी पूछना है इन सारी चीजों के लिए, बैच में कैसे जुड़ना है, कैसी चीजें हैं, ये तीन नंबर आपके सामने चल रहे हैं, 9450006007, 9129697080 और 8115875795। इस पर आप हमसे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी के साथ वाणी पर विराम दे रहा हूं। कोई भी दिक्कत नहीं समझ में आ रही कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, आपका हम जवाब जरूर देंगे या इन किसी नंबर पर आप कॉल करें। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।